Good morning students, I welcome you all to the online class of LGOI. In the last class I have started new chapter that was sets, and I have also told you the theory which can be helpful to you to solve the questions of exercise 6A. So I think that you have started that exercise or aapne kuch questions kar liye honge, theek hai. Agar koi problem aati hai to you can clearly ask aur aapko exercise A jo hai wo apne aap hi try karni hai. Today we will be starting from exercise 6B. And before starting that, I would like to tell you certain terms related to exercise 6B. First term is subset. First term is subset. So subset kya hota hai? You have studied about the sets or set in your last class. Abhi naya term hai, that is subset. What is subset? Jab bhi baat subset ki hoti, to you are supposed to have two sets. ठीक है? सपोज एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6. उसका एक है सेट बी, उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10. नाउ यू कैन से दैट कि ए जो है वो बी का सबसेट है. ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का कि ए इज द सबसेट ऑफ बी. रीजन हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देयरफॉर और दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी. आई विल बी रिपीटिंग, जब सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होते हैं, तब हम बोलते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है. ओके, चलिए ये तो बात हुई कि सबसेट क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो सेट ए लिया है इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6. अब इस सेट ए के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. ठीक है, दैट मींस 2 और पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2 और 3. दैट मींस 2 की पावर 3, व्हिच विल गिव यू 2 × 2 × 2. तो आंसर आएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8. इसका मतलब है कि इस सेट ए के टोटल 8 सबसेट्स बन सकते हैं. कैसे बन सकते हैं? एक बन सकता है सेट 2 अकेला, क्योंकि 2 एक ऐसा सेट है जो ए का सबसेट है. कैसे? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, 2 है और इसमें है 2. दूसरा सेट हो सकता है 4. नेक्स्ट हो सकता है सेट 6, उसके हो सकता है 2, 4. उसके हो सकता है 2, 6. ठीक है, उसके हो सकता है 4, 6. ठीक, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और एक हमेशा सेट होता है 5. 5 हमेशा सभी सेट्स का सबसेट होता है. एक 5 हो गया और एक ये सेट ए खुद हो गया, दैट इज 2, 4, 6. तो ए के कितने सबसेट बन सकते थे, 8 बन सकते थे. कौन कौन से बन सकते हैं वो हमने बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो देयर विल बी टोटल 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए. सिमिलरली कोई पूछे आपसे कि इस सेट बी के सबसेट्स कितने हो सकते हैं, अगेन फॉर्मूला करेंगे 2 की पावर n. एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो पावर करेंगे 2 की पावर 5. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32. इसका मतलब है कि सेट बी के टोटल 32 सबसेट्स बन सकते हैं. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग सबसेट्स. तो आई थिंक आप समझ गए कि सबसेट क्या होता है. एक बार और डेफिनेशन रिपीट करूंगा मैं. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्रॉपर सबसेट.
प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सबसेट पढ़ा, अब इसमें नया वर्ड ऐड हो गया प्रॉपर, तो प्रॉपर सबसेट क्या है, एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए और उसमें एलिमेंट डाला 1, 2 एंड 3। आई हैव टेकन अ सेट ए व्हिच हैज 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, देन यू नो दैट इसके सबसेट्स क्या बन सकते हैं, या तो 1 सबसेट्स, या तो 2, 3, देन 1, 2, then 1, 3, then 2, 3, then 5, और एक खुद हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो यू नो दैट इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 सबसेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सेट सबसेट का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल सेट वाला सबसेट क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यू हैव टू डिलीट द सबसेट विच इज एक्चुअल सेट, सेट के बराबर वाला सबसेट जो होता है उसको आप हटा दोगे तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, तो आप लिख सकते हैं टोटल प्रॉपर सबसेट is equal to 2 की पावर n माइनस 1। क्यों माइनस 1 कर रहे हैं, क्योंकि एक जो सेट है जो एक्चुअल सेट के इक्वल है उसको हमको काउंट नहीं करना है। तो आंसर जैसे इसका आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होगी, 8 माइनस 1 दैट इज 7। यू कैन से दैट इस सेट A के टोटल 7 प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, ऐसे ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी है, लेकिन ये जो 1 2 3 है जो एक्चुअल सेट की इक्वल है वो प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बिफोर दैट आपको एक चीज बताऊंगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, what is universal set, let some sets be given to us, let then a set which is superset of each of the given set is called the universal set or denoted by U, ठीक है। ये definition थी universal set की, जो शायद easily understand नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो मैं आपको अपने हिसाब से examples के through बताऊंगा कि universal set क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों जो कि बाकी गिवन सेट्स में भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए और ए में एलिमेंट है 1, 2, मैंने बोला बी, बी में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, तो इन दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें होना चाहिए 1, 2, 3, 4। दैट मींस यू कैन से दैट ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट। व्हाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्सल सेट। या एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल सेट इज दैट सेट विच इज द पावर सेट ऑफ ऑल द अदर गिवन सेट्स, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन भले ही समझ में आई हो आपको, लेकिन आपको थ्योरेटिकल और एग्जांपल के थ्रू क्लियरली समझ में आ गया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू कॉम्प्लीमेंट सेट, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लीमेंट सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक श्योर दैट कि आप इसमें फोकस दे करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट, जैसे एक सेट ए है, ये सेट बी है और ये एक यूनिवर्सल सेट है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है, दैट मींस ए के बगल में अगर डैश लगा है, दैट मींस अब आपको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट you are just required to remove those elements from universal set which are there in set A.
यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो सेट ए में है और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दें, मतलब 1 और 2 को हटा दें, यहां से बचेगा कितना 3, 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 3, 4। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको बोला कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, इस यूनिवर्सल सेट में से बी वाले सेट के एलिमेंट्स को हटा दिया जाए और बाकी जो बचेंगे एलिमेंट्स वही क्या होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या हटा दिया जाए, 2, 3 और 4 हटा दिया जाए, मतलब 2, 3 और 4 को रिमूव कर देंगे, तो कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, तो बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू दिस 1। ओके, सो दैट वाज ऑल इन टुडेस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 6B। थैंक यू।